अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां 1 नवंबर 2022 मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के साथ साथ जिले भर में छात्रावास दिवस भी मनाया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रावासों में आयोजित छात्रावास दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कलेक्टर ने ज्ञानोदय बालक तथा बालिका छात्रावास, अनुसूचित जाति उत्कृष्ट बालक छात्रावास, कन्या शिक्षा परिसर, अनुसूचित जनजाति छात्रावास तथा ज्ञानोदय कन्या छात्रावास का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को छात्रावास की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ज्ञानोदय बालक छात्रावास के टॉयलेट, छत तथा फर्श में सुधार के लिए जिला संयोजक को तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी छात्रावास भवनों सामान्य मरम्मत तथा पुताई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बालक छात्रावास तथा कन्या छात्रावास में खनिज मद से कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कन्या छात्रावास में शौचालय में सुधार, वॉश बेसिन लगाने तथा आंगन में जाली लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया तथा छात्राओं को पुरस्कृत किया। अनुसूचित जाति छात्रावास में खनिज मद से कराए गए कार्यों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास में पेयजल की उचित व्यवस्था करें, छात्रावास परिसर की साफ सफाई कराकर उसे हरा भरा और सुंदर बनाएं। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए पठन पाठन तथा भोजन व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर ने अनुसूचित जनजाति छात्रावास का भ्रमण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी अपने कैरियर बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करें। आपने कुछ वर्षों अच्छी मेहनत कर ली तो जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे जो जीवन को नई सफलताएं देंगे। अपना कैरियर बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें। कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की साफ सफाई कराने, स्ट्रीट लाइट लगाने तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। भ्रमण के समय परियोजना अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर संजय सिंह, जिला संयोजक DS परिहार, अधीक्षक गण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। बोलो 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 जाओ दीपेश बाबा जी बताओ तो बताओ ना सबको किसका अभी हुआ कि जैसा अभी अभी भाई कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों को इनके सामने बोलोगे नहीं सर ऐसी बात नहीं ठीक है ना सब अच्छा है सरकार ने जो लीकेज है सर उसका प्रबंधन दो तीन दिन से बना था और क्या बनाओगे पुलाव खाना अच्छा होता है पनीर भी बन रहा है और छोले भी बन रहे हैं और पुलाव भी बन रहा है और तुम लोग क्या क्या नहीं पड़ रहा है आज क्या बना दाल चावल खा के आए दाल चावल बना था तो तुम्हारे यहाँ पुलाव क्यों नहीं बनता है दो बार खाओ शाम को खाओ अच्छा शाम को खाओ प्रोग्राम करने के बाद अच्छा प्रोग्राम क्या है अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम किसका मैडम इसी मैडम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अंतर्गत आज हॉस्टल डे मनाया जा रहा है और इसमें आज हमने शहर के हॉस्टल्स का निरीक्षण किया है। बच्चे काफ़ी प्रसन्न हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियां कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने यहां की जो मूलभूत आवश्यकताओं हैं उनका भी परीक्षण किया है, बच्चों की ज़रूरतों का आकलन किया है, बच्चे के जो किचन है, जो उनका कमरे हैं, उनके बाथरूम हैं, उनमें जो ज़रूरतें हैं उसका भी आकलन कर रहे हैं। अभी पिछले सालों में काफ़ी हॉस्टल्स को ठीक किया गया है, इस बार भी हम लोग जो विभाग के मद हैं और DMF के मद हैं उससे इन हॉस्टल्स को और खूबसूरत बनाएंगे ताकि बच्चे जो अच्छे वातावरण में रहें और अपनी प्रगति के लिए मेहनत करें, खुश रहें। खेलकूद की भी यहाँ व्यवस्थाएँ हैं और उसको भी और बेहतर तरीके से करने की सारी कोशिशें की जा रही हैं।